जीआईडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस डिप्लोमा की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है क्रॉस टैब क्वेरी। क्या नाम है? सबसे पहले इस क्रॉस टैब क्वेरी के बारे में लिख लीजिए हेडिंग बना के। कहा है, दिस क्वेरी इज यूज टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स। कह रहा है कि इस क्वेरी का इस्तेमाल हम टोटल सेल्स पता करने के लिए करते हैं, या आप लोग स्टूडेंट हैं फीस जमा करते हैं, आप लोग अगर डिटेल फाइंड करना मुझे कि आप लोगों ने कितनी टोटल फीस जमा की है, किस महीने में कितनी कितनी जमा की है, तो इसके लिए भी हम क्रॉस टैब क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस टैब क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल कलेक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको मिलने को मिलेंगी देखने को। आप किसके बिहाफ पे निकाल पाएंगे? मंथ, एड्रेस, नेम, रोल नंबर, सबके बिहाफ पे चीजें निकाल पाएंगे। तो लिख लीजिए सबसे पहले, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ। सबसे पहले एमएस एक्सेस ओपन कर लीजिए। स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? चेक करो, ये हो गया था। अब देखिए आपका बैच 12.4, ये स्टैम्पलीफाई सीट थी, यही थी ना? तो इसी पे हम आज एक नया टेबल बना लेते हैं। क्रिएट में आ गए और कहाँ पे आ गए? टेबल पे। टेबल बनाना है, टेबल का नाम रखना है, सेव करिए। टेबल का नाम रखना है क्रॉस टैब। क्या रखना है? क्रॉस टैब। एंटर कर लिया और इसको डिजाइन व्यू में ओपन करके सबसे पहले अपने हिसाब से सेटअप कर लेना है। यहाँ रखना है आरईजी। आरईजी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, आरईजी। और यहाँ ले लिया ऑटो नंबर, नहीं नंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ ले लिया स्टडी नेम। स्टडी नेम मतलब स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट नेम में शॉर्ट टैक्सी रहने दीजिए। यहाँ लेते हैं कोर्स, नहीं क्या था, कोर्स ले लीजिए। चलो कोर्स ले लिया और यहाँ ले लिया शॉर्ट टैक्सी रहेगा। और यहाँ ले लिया फी, और फी में करेंसी लीजिएगा, नंबर मत लीजिएगा, करेंसी लीजिएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगी, पहला लाइन जो होता है वो आपका हेडिंग होता है ज्यादातर। ये सारी फील्ड नेम है, डाटा टाइप है, और यहाँ जो बटन बना हुआ है चाबी की जैसे, ये प्राइमरी की है। क्या बोलते हैं इसको? ये पहले हेडिंग पे ही अप्लाई रहती है। और इसको हमने कर लिया सेव, हमने इसको बंद नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, अगर प्राइमरी की बंद नहीं रहेगा, ऑन रहेगा, तो कोई भी चीज आप दो बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत कहेगा ये डुप्लीकेट वैल्यू। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब मैं डिजाइन व्यू पे आ गया, डाटा शीट व्यू पे, और मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ अपना, बैठे बैठे। हाँ, 43-34। नाम? अभी अभी कोर्स एडीसी। और शुल्क मान लो तुम जमा किए हो, अरे वो मंथ नहीं लिखा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कौन इंसर्ट करिए, यहाँ पे वो चाहिए था, मंथ चाहिए था, मंथ के लिए भी शॉर्ट टैक्सी है। क्या करिए, सेव कर लिए। मंथ मान लो लिख दिया, कोर्स की जरूरत ही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक से मिल गया। मंथ था, कोर्स की जरूरत ही नहीं थी। एक काम किया जाए, इसको मैं सेव करके क्लोज कर दे रहा हूँ, और पहले इसको सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। क्रॉस टैप था ना, इसको डिजाइन व्यू में आके ये कोर्स वाली लाइन बता दी, कोर्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कोई, नहीं चाहिए। और सेव कर लिया वापस से, और व्यू क्या कर दिया इसका, चेंज कर। चलो अभी जनवरी में जैन लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में जैन लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक और मैंने कह दिया कि आपने जनवरी में 1500 रुपये जाए, ठीक है। और देखिएगा फिर से मैं यही लिख रहा हूँ, फोर कोई और रजिस्ट्रेशन हो रही है, 43-66 फरीद है ना। फरीद ने फेब में 2500 रुपये जमा किया। और फिर से मान लो अभी का नाम लिखना है कि फिर से जनवरी में नहीं, मार्च में उसने जमा किया है, 4334। इंटर करेंगे और अभी लिख दिया, और लिख रहे हैं कि इसने मार्च में MAR में 1000 रुपये जमा किया। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आगे होने नहीं देगा, कर एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? कह रहा है द चेंज यू रिक्वेस्टेड, जिस चेंज का आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं टेबल, वे आर नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज
दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि आपने क्या बना दिया है, एक डुप्लीकेट वैल्यू दे दिया है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर रहा है, स्टूडेंट का नाम मैच कर रहा है, तो दो चीजें मैच होने लगी, डुप्लीकेट हो गई, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करा। ओके करेंगे फिर टैग दबाएंगे, फिर वही दिक्कत होगी। ओके करेंगे अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे, तो बंद करेंगे, सोचेंगे सेव करके क्लोज करें तो भी नहीं करने देगा। ठीक है तो हम क्लोज कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, क्लोज। ओके करिए और यस कर दीजिए, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, मतलब काम करने नहीं दे रहा है। तो फिर से हम क्रॉस टाइप क्वेरी को एक बार खोलेंगे और व्यू उसका क्या कर देंगे डिजाइन में, और जो यहाँ प्राइमरी की ऑन दिख रहा है आप लोगों, बस इस पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, प्राइमरी की को बंद करेंगे, हट गया, और इसको क्या कर देंगे वापस से सेव कर देंगे, और इसका चलिए फिर से वापस से डाटा शीट व्यू में। और अब देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या था, 4334 नाम क्या है, अभी नाम है, और उसने मार्च में फिर से 1500 रुपया या 2 रुपया जमा किए, तो वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो एक लाइन आपको ये लिखना होगा जो लिखे हैं अभी स्टेटमेंट्स के नीचे, कि टेबल बनाते वक्त प्राइमरी की को बंद कर देंगे, लिख लीजिएगा। हो गया, चलिए तो अब ऐसे ही कई लोग बच्चों का नाम लिखे जाएंगे, एक दो लोग का है, लेकिन ये याद रखिएगा रिपीट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम ये सब चीज रिपीट करेंगे, क्योंकि की बच्चा एक ही महीने में नहीं जमा करेगा। तुम ही बताओ, रोनियान बताओ, रजिस्ट्रेशन नंबर 4333 संदीप सैंडी लिख दे रहा हूँ, फेब में जमा की हो तुम 2500, और फिर से फरीद का रिपीट कर दे रहा हूँ, 4366 फरीद ने मार्च में कितना जमा किया है, 1000 रुपये। और कोई बताए, आदित्य हाँ 4312 नाम आदित्य दे रहा हूँ, और मान लो यहाँ रख दिया मई में 3500 रुपये, और कोई, अरे राय दो छोड़ो, 4312, 4312 टैब दबा दिया, आदित्य का ही कहीं अप्रैल में एपीआर में 500 रुपये जमा कर दिया, बस हो गया, इतना हो गया ना, बहुत है, इसको क्या कर लेंगे हम, सेव कर लेंगे। अच्छा आपकी डाटा कैसी बनी हुई है, रिपीटेड बनी हुई है, देख रहे ना काफी चीज रिपीटेड है, हो गया। अब क्या करना होगा आपको कि इसको कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद क्या कर लेंगे, क्लोज, डाटा तो बन गया। अब हमें ये करना है कि हमें जानना है कि एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब रिपीटेशन हमें मतलब नहीं है, हमें जानना है एग्जैक्ट में फरीद ने कितनी फीस टोटल जमा की है, और किस किस महीने में, या जितनी भी बच्चे का नाम मैंने लिखा उन्होंने पार्टिकुलरली किस महीने में कितनी कितनी फीस जमा करनी, ये जानना है, और टोटल कितनी फीस जमा कर ली। तो उसके लिए हम क्रॉस टाइप क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट में आएंगे, और आज क्वेरी डिजाइन में नहीं क्वेरी विजर्ड पे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, विजर्ड का मतलब जादू होता है, और यहाँ ऑप्शन लेंगे कौन सा, क्रॉस टैब। अब पूछेगा कौन सा टेबल लेना है आपको, बताइए, बहुत सारा टेबल दिख रहा है आपको, पहला वाला ये है, नेक्स्ट कर लेंगे, पूछ रहा किसको प्रियोरिटी देनी है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर को, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद से स्टूडेंट नेम, हाँ, उसके बाद से मंथ, हाँ, अरे क्या मैं भी कभी कभी अजीब काम करता हूँ, क्वेरी विजर्ड क्रॉस टैब, ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट, तीन ही दे रहा है, स्टूडेंट का नाम ले लिया जाए, नहीं मंथ ले लिया जाए, तीन ही हेडिंग बन रहा है यहाँ पे, कॉलम लिया गया है, लास्ट में क्या ले लिया जाए, फी ले लिया जाए, फी ले लिया जाए, और फी में क्या देखना है, फी का ही टोटल देखना है,
टोटल देखने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काउंट का कैसे कर लेंगे भाई? काउंट तो बताता है कितना सब्जेक्ट है या कितनी चीजें हैं, और नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। देखिए तुरंत बन के आ गया 4312। किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है? टोटल कितना पैसा जमा किया हो? 4000। किस किस महीने में? 500 अप्रैल में, 3500 में। 4333 किसका नंबर है? 2500 रुपये जमा किए हो फरवरी में, उसके बाद जमा नहीं किए। 4334 हाँ किसका है? 3000 रुपया जमा है 1500 जनवरी में, 1500 इसमें। और 4366 क्या है? दोबारा है 3500 रुपया जमा की हो फरवरी में, 2500 की हो मार्च में। देखो नहीं निकल गया, यही है क्राफ्ट टाइप के। अरे डॉलर तो भाई हम क्या लिए थे, करेंसी लिए थे, और करेंसी क्या होता है? डॉलर है ना। बताइए करेंसी लिए थे ना, कर लेंगे ना। अच्छा एक दिक्कत क्या आई आप लोगों को, कि एक ही नाम रिपीट करने से, चीजें रिपीट करने से क्या दिक्कत आ रही थी? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही थी। तो ये चीज नई चीज सीखे हैं यार, कि एक लाइन के लिए हाईलाइट कर लीजिए उसको। जब तक प्राइमरी की ऑन रहेगी तब तक कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। जब तक प्राइमरी की ऑन रहता है तब तक कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। अगर रिपीटेशन करना है तो प्राइमरी की को क्या करना होगा? बंद करना होगा, तब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कर लेंगे ना, ये काम करना है। अब स्टेप लिख लीजिए, स्टेप के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? मैं लिख दे रहा हूँ, सामने देखते रहिएगा। क्रिएट टेबल क्या करना है? क्रिएट क्रिएट टेबल किस नाम से? वही क्रॉस टैब के नाम से बना लीजिएगा। क्या क्या उसमें रखना है, पैटर्न क्या क्या रखना है वो? तो आरजी नंबर लिख दीजिए। स्टूडेंट नेम की कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि मतलब तीन ही सेक्शन तो करा पा रहा है। यहाँ आरजी नंबर ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, मंथ ले लीजिए, और फी ले लीजिए, बस हो गया। और लिख लीजिए फी के सामने करेंसी होगा, मंथ के सामने शॉर्ट टेक्स्ट, कोर्स के सामने शॉर्ट टेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के सामने नंबर ऑफ टेक्स्ट, बस। एक टेबल बन गया, टेबल बना के डाटा बना के सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद क्या करना है आपको, आपको कहाँ जाना है? क्रिएट में जाना है, और किस ऑप्शन में? क्वेरी विजर्ड में। विजर्ड में उसके बाद क्या करना है? हाँ सेलेक्ट करना है टेबल को, सेलेक्ट क्रॉस टैब टेबल, टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर को। और क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कोर्स को, मंथ को, जो भी होगा, ठीक है, तो जो भी होगा कोर्स मंथ जो भी होगा, नेक्स्ट करते रहिएगा। कोर्स नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट जो भी होगा। हाँ लास्ट में आपको क्या आएगा, लास्ट वाला, लास्ट में क्या आएगा? फी। अब फी वाले में क्या लेंगे, सम ले लेंगे, क्या ले लेंगे सम, और क्या कर लेंगे, मिस कर लेंगे, क्या करेंगे, मिस कर लेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि किस बच्चे ने किस महीने में कितनी फीस जमा की है, या ये कह सकते हैं कि किस इम्प्लाई ने किस महीने में कितनी कितनी का सेल किया है, और टोटल कितने का सेल किया है, ये हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, क्रॉस टैब क्वेरी की मदद से। करेंगे ना, तो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर एमएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर आउटलुक स्टार्ट करेंगे। आउटलुक क्या वैसे इतना ही
आज नया नया ज्वाइन किया, लीड से ज्वाइन किया, इतना ही कहते हैं। तब सर पढ़ाए, फिर हम आगे पढ़ाए। हाँ इसीलिए जान तो चाहिए ना, ताकि गैप ना मिले आप लोग को। क्या कह रहे हो? एक सेकंड देखिए।